हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा में जॉब्स की। देखिए, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो हैं माल्टा में जॉब्स के बारे में। आपको ये बताया जाता है कि माल्टा में कितने सारे डिलीवरी बॉयज़ के जॉब अवेलेबल हैं, माल्टा में कितने सारे ड्राइवर के जॉब्स अवेलेबल हैं, या माल्टा में कितने सारे क्लीनर के जॉब्स अवेलेबल हैं, या माल्टा में कितने सारे इलेक्ट्रिशियन के जॉब अवेलेबल हैं, या रेस्टोरेंट्स में जॉब अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माल्टा में जॉब्स की सच्चाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ और ये जो वीडियो है ये आपका टाइम बचाएगा, ये आपका पैसा बचाएगा और माल्टा के नाम पे हो सकता है जो ठगी हो रही है उससे भी आपको बचाए। देखिए, पिछले कुछ महीनों में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं ऐसे लोगों के जो माल्टा में काम करना चाहते हैं या जो मैं माल्टा में अपनी जॉब का वेट कर रहे हैं, आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। कई बार ये मुझे हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि आप ये देखेंगे कि ये लेटर ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं आपको माल्टा के बारे में कुछ असलियत बता दूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, माल्टा यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगेन जोन में आता है। बहुत खूबसूरत देश है और सबसे अच्छी बात माल्टा की ये है कि वहाँ पर अंग्रेज़ी भी चलती है, क्योंकि माल्टा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया की तरह। अब माल्टा में दो भाषाएं हैं, एक माल्टीज और इंग्लिश। तो बहुत सारे लोग इसलिए माल्टा जाना चाहते हैं क्योंकि जैसे और देशों में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, माल्टा में आप इंग्लिश के साथ भी काम कर सकते हैं, बशर्त है कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो माल्टा में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। ये पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई, माल्टा बहुत ही छोटा देश है और साइज़ में माल्टा का जो एरिया है वो करीब 315 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दिल्ली से करीब 4.5 गुना कम है। तो एक छोटा सा देश जो साइज़ में दिल्ली से 4.5 गुना कम है, आबादी माल्टा की 5 लाख है, तो इतना छोटा सा देश कितने लोगों को जॉब दे सकता है। तो मैंने क्या किया, एक माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब प्लस, मैं उस पर गया। मैंने देखा कि जो पॉपुलर जॉब्स हैं जैसे क्लीनर्स के लिए कितने जॉब हैं, तो मैंने देखा कि क्लीनर के लिए 45 जॉब है, ड्राइवर्स के लिए 17 जॉब है। ये मैं बात कर रहा हूँ जॉब प्लस वेबसाइट की, जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है। रेस्टोरेंट्स में 3 जॉब है, होटल में 4 जॉब है, नर्सेस के लिए 2 जॉब्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिशियंस के लिए 5, कारपेंटर के लिए 2 और सॉफ्टवेयर में 3, शेफ्स के लिए 11 जॉब्स अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आपको एक आइडिया देना है कि देखिए, माल्टा में शायद उतने जॉब्स नहीं हैं जितने एजेंट हैं। मुझे लगता है माल्टा में, मैं इनफैक्ट एक और चीज़ किया, मैं लिंक्डइन में जॉब प्लस वेबसाइट पे भी गया तो वहाँ पे भी मुझे तकरीबन 387 जॉब्स दिखी हैं। मुझे लगता है कि माल्टा में आज की डेट में तकरीबन 400 जॉब्स अवेलेबल होंगी या 500 जॉब्स अवेलेबल होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में तकरीबन 50,000 एजेंट सक्रिय हैं जो इन 500 जॉब्स को बेच रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माल्टा पे सर्च कर लीजिए। अब जैसे मैं लिंक्डइन पे देख रहा था तो लिंक्डइन पे जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो मेनली गेमिंग पे हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल डच आती है, जर्मन आती है, तो कॉल सेंटर में जॉब्स हैं, देन सॉफ्टवेयर में जॉब्स हैं। तो जहाँ तक हम बात करते हैं डिलीवरी बॉय की जॉब, देखिए डिलीवरी बॉय या ड्राइवर की जॉब मुझे 17 जॉब्स दिखी, ड्राइवर या डिलीवरी की अगर हम बात कर लें, या क्लीनर की जॉब मुझे 45 दिखी। तो आप सोच लीजिए कि क्या मतलब, जो आप सब लोग माल्टा की तरफ दौड़े जा रहे हैं, आप प्लीज़ दौड़िए उस तरफ, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी फोन कॉल्स आए हैं जहाँ पे माल्टा के नाम पर ठगी हुई है। तो इस वीडियो का आइडिया है आपको, मतलब आप सावधान रहें। मैं इनफैक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में और आप स्क्रीन पे भी जो माल्टा की जॉब वेबसाइट्स हैं उनके नाम आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी जॉब्स चेक करें। अगर आपके कोई और सवाल है माल्टा के बारे में तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।